जब जंग होती है एक तरफ राजा घोषित करना बहुत जरूरी होता है। आप देखो चेहरा, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा था, सशक्त चेहरा था मोदी जी के नाम पर, तो दूसरी तरफ एक चेहरा नहीं दे सके। मेरे फ्रेंड है, उसकी वोट चंडीगढ़ में है, उसकी पत्नी की वोट है मोहाली में, तो अब उसको आके कह रहे हैं आप वाले कि आपने चंडीगढ़ में वोट कांग्रेस को पाली है, और उसी की पत्नी को मोहाली में आके कह रहे हैं कि तुमने वोट कांग्रेस को नहीं पानी, आम आदमी पार्टी को पा रहे हैं। तो मेरा दोस्त आके कहता है कि ये गठबंधन तो क्या चलेगा, मेरा गठबंधन घर का ही टूट रहा है इससे। अंबाला सीट के समीकरण क्या बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधायक है यहाँ से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी, उनकी नाराजगी जब जाहिर है। हम खुद गए थे थोड़े दिन पहले करनाल में सर्वे करने के लिए, अर्थ प्रकाश की टीम के साथ में गया था। वहां पर लोगों ने जो माइक के बगैर कहा कि हम मोदी जी को पसंद करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर को वोट नहीं पाएंगे, सिरसा और उसके बाद रोहतक और उसके बाद सोनीपत, ये तीन सीटों में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और ये हो सकता है बीजेपी को 7 आए या 8 आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, चुनावों का माहौल है, कल देश में 7वें चरण के चुनाव हो जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि किसके सर सजेगा ताज। लेकिन उससे पहले चुनाव का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो एक सीनियर पत्रकार हैं और ट्राई सिटी प्रेस क्लब के प्रेजिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने लगभग आधा जो इंडिया है उसमें घूमकर देखा है, क्या विश्लेषण है, क्या इस बार लोगों का मूड है, किस तरह की सोच है लोगों की, उस पर बात करते हैं चुनावी चर्चा में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका नमस्कार। जिंदर जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने गुरदासपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हाँ जी, इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लोगों की राय जानी, लोगों से मिले, हिमाचल में गए आप, हरियाणा में आपने बहुत काम किया, तो क्या लगता है कि इस बार कैसा मूड है लोगों का? ऐसे है राजेंद्र जी, जैसे मैंने टोटल तकरीबन 10,000 किलोमीटर का सफर कर लिया है, तो इस इलेक्शन में अगर हम देखा जाए मोटा मोटा तौर पर कि एक तो है कि कुछ पत्रकार होते हैं जो कॉपी पेंसिल लेकर काम करते हैं, लेकिन मैं वो चीज बताऊंगा कि जो मैंने लोगों की आंखों में देखी, ग्राउंड लेवल पर देखी और जो बूथ लेवल पर देखी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अर्थ प्रकाश टीम जो गांव की चौपाल भी हमने की है काफी एरिया में, तो इलेक्शनों के दौरान भी हम बूथों पे भी गए हैं। मैं उस इसमें आपको वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि वाकई रिपोर्ट क्या है। जैसे आपको पता होगा, जैसे महाभारत था, महाभारत में जो महाभारत खत्म हो गया था तो सबने कहा था कौन लड़ रहा है, तो उन्होंने भगवान ने कहा था दूर बबरीक बैठे हैं, उनको पता है कि कौन युद्ध लड़ रहा था। देखो तो मैं तो श्याम खाटू जी का छोटा सा एक सेवक हूं, लेकिन उस तरीके से हमने भी देखा दूर से, क्योंकि जब दंगल होता है उसमें दो पहलवान लड़ते हैं और दोनों ही कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन जो रेफरी होता है बाहर बैठा वो देखता है कि किस किसका दाव ठीक है, किसका कम है, हारने के लिए तो कोई भी मैदान में नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप ये आप क्या पूछना चाहते हैं पहले? मैं ये जानना चाहता हूँ कि विश्लेषण क्या है इस बार, इस बार कैसे समीकरण बन रहे हैं। देखिए, एक तरफ इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में लगभग सभी पार्टियां जो अपोजिशन की पार्टियां, लगभग ये सारी तो नहीं, लगभग सारी पार्टियां एक तरफ है, दूसरी तरफ एनडीए है, हाँ जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टी है, बिल्कुल ठीक है। इस बार जो है, दो बार पिछले जो दो टर्म गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गए हैं, क्या इस बार मोदी मैजिक चलेगा, क्या इस बार लोगों को द्वारा से लोग रिपीट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, या इस बार समीकरण कुछ अलग तरह के बन जाएंगे, इंडिया अलायंस जो है या क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो उनका कुछ इस बार बोलबाला हो सकता है? देखिए राजेंद्र जी, आपने जो प्रश्न किया, आपके प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, लेकिन मैं आपको तरतीब भाई बताऊंगा। जैसे जो पॉजिटिव फैक्टर है जैसे भारतीय जनता पार्टी का, इसमें सोशल जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग रहा, स्ट्रांग रहा और कार्यकर्ता एक लिमिट के साथ उन्होंने अनुशासन के साथ काम किया। और दूसरी बात हम लेते हैं इंडी गठबंधन की, भले ही उसमें सारी पार्टियां हैं, और दूसरी एक बात और कहूंगा कि सारी स्टेट की राजनीति डिफरेंट होती है, जो महाराष्ट्र की है, कर्नाटका की है, वो सब अलग है प्रादेशिक पार्टी, लेकिन हाँ, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि जो आपने मुद्दा सेंटर का उठाया, तो सबसे बड़ी आपने देखा जो पहले इलेक्शन होते, क्योंकि मैं 2007 से पॉलिटिकल बीटी कर रहा हूं और इलेक्शन कंडक्ट किए हैं, वो जो इलेक्शन थे ना उसमें देखा होगा कि जब जंग होती है एक तरफ राजा घोषित करना बहुत जरूरी होता है,
आप देखो चेहरा और भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा था, सशक्त चेहरा था मोदी जी के नाम पर, तो दूसरी तरफ एक चेहरा नहीं दे सके जो कांग्रेस उम्मीदवार है, जो इंडी गठबंधन में चेहरा नहीं दे सके, इससे लोगों में कंफ्यूज हुई। अब यहां पर बात करेंगे कैडर वोट, जो पार्टी की कैडर वोट है वो कैडर को पढ़ती है, कैडर का तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, कैडर वोट पढ़ती है। एक वोट होती है जो कंफ्यूज वोट होती है, जो वे देखती है कि एक तरफ कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट नहीं है, तो वो कंफ्यूज वोट काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पास ट्रांसफर हुई है। इससे अच्छा। हम वो दो राय नहीं कर सकते, ये वोट ट्रांसफर हुई है। और दूसरी बात, जो पहले इलेक्शन होते थे आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के, उसमें इंदिरा जी होते थे कैंडिडेट होते थे और राजीव जी होते थे, उस समय ये था कि इस अगर हम कंपैरिजन हो जाता ना, अगर अगर कांग्रेस पार्टी राहुल जी को कह देते, इंडी गठबंधन किसी एबीसी को कह देते कि ये हमारे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, तो आम जो जनता है वो उस कैंडिडेट और मोदी जी में डिफरेंस करते, लेकिन वो डिफरेंस नहीं हो सका, क्योंकि जो यही कंफ्यूज वोट है, ये कंफ्यूज वोट भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन इस बार जैसे अब पंजाब की बात करते हैं, लोग जो आम आदमी पार्टी है वो अगर दिल्ली से चलती है, हरियाणा में उसका अलायंस है कांग्रेस के साथ, चंडीगढ़ में उसका अलायंस है, और चंडीगढ़ से दो कदम पे पंजाब शुरू हो जाता है, पंजाब में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, इसकी बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मैटर आपको बताता हूँ मैं। एक दो दिन पहले मेरे फ्रेंड है, उसकी वोट चंडीगढ़ में है, उसकी पत्नी की वोट है मोहाली में, तो अब उसको आके कह रहे हैं आप वाले कि आपने चंडीगढ़ में वोट कांग्रेस को पानी है, और उसी की पत्नी को मोहाली में आके कह रहे हैं कि तुमने वोट कांग्रेस को नहीं पानी, आम आदमी पार्टी को पा रही है। तो मेरा दोस्त आके कहता है कि ये गठबंधन तो क्या चलेगा, मेरा गठबंधन घर का ही टूट टूट रहा है इससे, तो ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर गठबंधन करना है तो प्रॉपर तरीके से करो, कोई अब जनता वो नहीं रही, क्योंकि आजकल आईटी का जमाना है, आईटी का जमाना है, सारी चीजें अब आम रिक्शा वाले के पास भी एंड्रॉयड फोन है, बिल्कुल ठीक है, बड़ा लिखा बोल रहे हैं। पहले होता था किसी वेब के साथ हम कर सकते थे, लेकिन अब हर इंसान यूथ भी इंटेलिजेंट हो गया है, अब यूथ को यह पता चल गया कि हमने कांग्रेस को वोट पा दो आपको, बस बाद में तो एक हो ही जाना। लेकिन इस बार की अगर बात करें हरियाणा की, जो चुनाव में धीरे-धीरे हम आए गए, इस बार ओवरऑल की बात करूं तो मुद्दों का चुनाव तो है ही नहीं इस बार, इस बार चुनाव में कहीं मुझे मुद्दे नजर नहीं आ रहे। मुद्दों का मुद्दे थे, लेकिन विपक्ष एक ना होने के कारण, एक कैंडिडेट ना होने के कारण मुद्दे वो बाइफरकेट हो गए, उस मुद्दे का जो वेव होती है ना, भवंडर जो ऊपर तक जाना चाहिए वो नहीं बन सका। और उसका कारण यह है, मैं बताता हूं कि कोई भी इलेक्शन होता है उसका एक टेम्पो होता है, जैसे ग्राफ, जैसे नीचे से ऊपर चला गया, उसके बाद कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है। अगर आप कॉन्स्टेंट रख लोगे तो सरकार बन जाएगी, सीटें आ जाएगी। अगर आप ग्राफ ऊपर करके कॉन्स्टेंट ना रख सके, नीचे आ गए, तो उस स्थिति में दिक्कत होती है, ये कॉन्स्टेंट नहीं रख सके ग्राफ, ये मेन पॉइंट है। किसान की बात करते हैं जी, पंजाब में किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ है। हाँ जी, फरीद, मैं अब हाँ जी फरीदकोट से हमारे उम्मीदवार हैं, उनका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। इसी तरह पंजाब के बाकी जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मूवमेंट है, किसान वोट है, बहुत ज्यादा विरोध कर रही है। सेम हरियाणा में मैंने देखा है, हरियाणा के अगर इंटीरियर में जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, तो वहाँ जो वहाँ का वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खफा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। उसका कारण है कि किसान मूवमेंट। हाँ जी, तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ जा रही है वोट सारी, तो ये जो वोट है इससे फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि हरियाणा के मैं सिरसा, हिसार, कुछ इंटीरियर एरिया वहां पर गया था। अब हम किसानों की बात करेंगे, हरियाणा की परिस्थिति है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के अंदर देखा, मेरे साथ राकेश जी भी थे, अर्थ प्रकाश की टीम भी थी। मैं आपको बताता हूँ हरियाणा के बारे में, कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ बनिया वोट, ब्राह्मण वोट, पंजाबी वोट, जो इन्होंने 2 महीने पहले ओबीसी कार्ड खेला था, जो सैनी साहब को बनाया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, विधानसभा वो भी काफी हद तक इनकी मदद करेगा। अब बात रहेगी आपके प्रश्न की, जो बात है मुस्लिम वोट, जाट वोट, और तीसरी है एससी वोट, ये वोट बीजेपी को नहीं पड़ी। हाँ, अब दूसरी बात ये है, तीसरी बात है जो सैनी वोट है, गुज्जर वोट, दबल के वोट पड़ी है जी, वो यही नहीं,
नारायणगढ़ एरिया, ये महेंद्रगढ़ की तरफ है, पर गुर्जर वोटर सारी की सारी जो मुझे लगा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। नहीं सुनो, आपने ठीक कहा, इस तरह मैंने जाटों को कहा, लेकिन सारे सभी जाटों ने वोट पाई कुछ इधर आई है, लेकिन जो बल्क में वोट होती है वो नहीं गई। अब आपका प्रश्न है जो किसान आंदोलन है, जो किसान आंदोलन हुआ तो किसानों ने, आपने सुना सबने कहा था कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद ही विरोध हुआ। पर अच्छा, जो विरोध हुआ, अब मैं बताता हूं आपको डॉक्टर साहब, मैं मेरा सवाल आप ठीक कर रहे हैं, किसानों ने यह कहा कि हमारा किसी पार्टी, हम पार्टी नहीं है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका मूवमेंट है वो तो केंद्र सरकार के खिलाफ है। बिल्कुल, तो जो केंद्र में सरकार रहेगी उसको नुकसान तो होगा, वो किसी की भी हो, जब तक उनका, वो कहते हैं हमें अपना सलूशन चाहिए। अगर कांग्रेस करेगी तो, अगर आप इंडिया गठबंधन कर, मोदी करे तब, उनको अपने प्रॉब्लम के सलूशन चाहिए। अब आपको बताता हूं, आपने जो बात कही थी थोड़ी देर पहले कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब आप देखना कि जैसे किसान वोट है और जाट वोट है, जो भी है, ठीक है ना, जो भी है, ये वोट तीन जगह पर हरियाणा में बढ़ चुकी है। अब देखो, जजपा वोट तोड़ेगी, अंदैलो वोट तोड़ेगी, कांग्रेस वोट तोड़ेगी, ये वोट किनकी किनकी इफेक्ट करेगी ज्यादा, आप बताइए। देखिए आप, हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसका जवाब, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि 1947 से अब तक की अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। हाँ जी, जितनी भी पार्टियां बनी हैं उसमें से निकल के पार्टियां बनी हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, ठीक है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई पार्टी बनेगी, नई पार्टी आएगी या कोई भी पार्टी बनेगी, तो वो वोट का जो नुकसान है वो कांग्रेस को ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें जजपा की या इनेलो की, जजपा और इनेलो का इस बार आपको लगता है इस इलेक्शन में कोई जनाधार था? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे होता है कि जैसे वोट है 2020, आप एग्जाम्पल मोटा वोट, एक तरफ 100 वोट है, 100 में से 40 वोट एक पड़ गई, जो ये एंटी इनकम बेसी वोट थी ना किसानों की और तीन कास्ट में बताइए, वो तीन जगह डाइवर्ट होगी। अगर वो तीन जगह डाइवर्ट ना होती, एक जगह होती, तो फिर मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से आ जाते, वो तब होती अगर उनका एक लीडर होता। अब मैं बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं अंबाला में बूथ पर था कांग्रेस पार्टी के, और बकायदा रिकॉर्डिंग भी अपने अर्थप्रकाश में, मैंने उनको एक बात पूछी कि ये बताइए कांग्रेस अगर बनती है तो प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे, उनको आंसर ही नहीं आया इस बात का। अगर यही प्रश्न मैं बीजेपी से पूछता कि ये बताइए अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है तो उसका आपके प्रधानमंत्री, उन्हें मोदी जी का नाम ले देना था। ये फैक्टर है ना जो ये कंफ्यूज वोट को ये करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। आपने गुरदासपुर से लेके महाराष्ट्र तक, तेलंगाना तक, आप कह रहे हैं कि आपने एक सर्वे किया, हाँ जी, आप इस 6-7 चरण, जितने भी अब तक 6 चरण हो गए हैं, हाँ जी, आप 6 के 6 चरणों में आप अलग अलग जगह पे गए, आपने लोगों का मूड देखा, समझा, हाँ जी, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ, तो उसने इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, हाँ जी, तो क्या आपको लगता है कि ये नारा जो उनका है ये सार्थक हो सकता है? नहीं, इसमें तो मुश्किल आएगी जिनको, अच्छा हाँ, 400 पार वाले नारे में मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोस्टली एनडीए मिलकर ये सरकार बना लेंगे, लेकिन 400 पार नारे में तो खुद आपका, अगर आप ही अपने आप से प्रश्न करोगे, हाँ, भी प्रश्न पड़ेगा, सबको स्पष्ट है कि 400 पार तो, लेकिन उन्होंने एक वे बनाई, एक उन्होंने टीचर रख लिया कि 400 पार, ताकि आम वोटर का माइंड मेकअप हो जाए, उस फ्रेम में आ जाए। अगर 400 पार कह रहे हैं, सुनिए, तो कम से कम 300 तक तो आएंगे। तो आपके हिसाब से हरियाणा जो है, हाँ जी, इस बार फिर से, क्योंकि पिछले बार क्लीन स्वीप किया था लोकसभा में, 10 की 10 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ले गई थी, तो आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें बन सकती हैं? हाँ देखिए, मैं हरियाणा की बात करूंगा मैं, और विद फैक्ट करूंगा आपसे मैं, हरियाणा में जो हम खुद गए थे थोड़े दिन पहले करनाल में सर्वे करने के लिए, अर्थप्रकाश की टीम के साथ मैं गया था, वहां पर लोगों ने जो माइक के बगैर कहा कि हम मोदी जी को पसंद करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर को वोट नहीं पाएंगे, इसका मतलब है कि हरियाणा के लोगों में मोदी के प्रति वफादार है लेकिन लोकल लीडरों के प्रति वफादार नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब ये मैसेज हमारी अपनी अर्थप्रकाश की, जो आपको बता देता हूँ, अर्थप्रकाश की चुनावी चौपाल सेंटर तक लोग देखते हैं, जैसे उन्होंने देखा, उसके अगले दिन ही मोदी जी ने यहाँ पर रैलियां शुरू कर दी, तीसरे दिन ही बागेश्वर धाम पानीपत जी आके गए। तो
अब जो प्रश्न है ना, जो आप कहते हैं कंफ्यूज वोट, आपने कहा कि ये कैसी सीटें आएंगी, उसका कारण बताता हूं मैं। 17 तारीख तक कांग्रेस का ग्राफ एक अपर लेवल पर जा रहा था, आपने देखा होगा सर्वे आ रहे होंगे, यूट्यूब भी आते हैं, वो कहते 4-5 सीटें बीजेपी ये कहेंगी। लेकिन उसके बाद 18 से लेकर 22 तक, आई थिंक 23 तक जब खत्म होता है चुनाव, ताबड़तोड़ रैलियां हुई केंद्र की, जो मोदी जी आए, अमित शाह आए, नड्डा जी आए, सारे आए, यानी एक फोर्स के साथ वो आई रैलियां। उससे जो लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो गया। और सेकेंडरी बात है, जो दूसरी तरफ रैलियां थी, दूसरी तरफ उससे बड़ी रैली कोई ना पे सोनिया गांधी या ना कोई यहां पर इंडी गठबंधन के कोई बड़े लीडर आए, वो अपने को साए समझने शुरू हो गए, तो इससे भी वोट काफी हद तक जो कंफ्यूज पड़ी इधर आई। और सेकंड बात, जो हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिली, आपको भी देखने को मिली होगी, जो हरियाणा कांग्रेस है वो हुड्डा साहब उनके लड़के के, उन्होंने प्रचार किया, प्रचार था, और उस स्थिति के अंदर जो आपकी सिरसा की सीट है हरियाणा की, वो सीट निकलेगी कांग्रेस की, सिरसा और उसके बाद रोहतक और उसके बाद सोनीपत, ये 3 सीटों में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और ये हो सकता है बीजेपी को 7 आए या 8 आए, लेकिन 7-8 से कम बिल्कुल नहीं होगी। 4 तारीख को मैं फिर आऊंगा आपके पास, फिर हम बात करेंगे। यही स्टिक हो रहा है और ऐसे ही होगा। और आपको बताऊं, जो वो सीट है आपने देखा होगा, हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं श्रीमती किरण चौधरी, उन्होंने तो बकायदा वीडियो जारी करके कह दिया कि मुझसे पूछा नहीं जा रहा जी, मुझे प्रोग्रामों को पता चल रहा है। तो वो अगर नाराज हैं, देखो तो राहुल गांधी जी के आगे भी उन्होंने बात की दोनों, दान सिंह जी ने, तो आप लगता है कि वो एक फोर्स के साथ लगेंगे? मैं करनाल सीट की बात कर रहा हूं। करनाल फोर्स के, आपने कहा वो तो क्लियर हो गई होगी सारी जो मैंने बताया। आपने मुझे 3 सीटों के बारे में बात की कि वो कांग्रेस की झोली में जा सकती है, सोनीपत, सिरसा और रोहतक। हां जी। और सबसे बड़ी जो फाइट है, जहां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं चुनाव करनाल से, करनाल सीट की बात करता हूं, जहां तक मैंने कुछ समझा है, वहां पे उनके खिलाफ यंग, बिल्कुल यूथ का एक नेता है इनका, कांग्रेस का दिव्यांशु बुद्धि राजा, उसको इन्होंने खड़ा किया। ठीक है जी। शुरू में मैंने समझा क्योंकि मैंने फील्ड को देखा है, आप लोगों की चपाल को मैंने देखा है, इसके अलावा समीकरण देख रहा हूँ, शुरू में उसका जनाधार नहीं था, क्योंकि दिव्यांशु बुद्धि राजा को शायद उतना अच्छे से लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे फील्ड मार्केट में गया, जैसे जैसे लोगों से मिला, तो कांग्रेस को एक हाइप मिलती गई वहां पे। और दूसरी तरफ मैंने देखा, जब मुख्यमंत्री गांव में गए, पूर्व मुख्यमंत्री, लोगों का विरोध हुआ, तो क्या आपको लगता है कि ये जो ये वोट रहेगी, ये डाइसी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मामला कुछ 50-50 वाला मामला नहीं बना हुआ यहाँ? वो आपका प्रश्न किया ना, जो आपने कहा कि जो वोट कंफ्यूज वोट, मतलब ये मैं आपको पहले ही कह दिया कि कांग्रेस का इंडी गठबंधन का जो शुरुआती दौर पर ग्राफ अपर लेवल पर गया है, लेकिन उसके बाद 18 के बाद वो कांस्टेंट नहीं रख सके। अंबाला सीट के समीकरण क्या बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधायक है यहाँ से, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी, उनकी नाराजगी जब जाहिर है। मैं बताता हूँ, अब आप देखना, मैं वो बात करूंगा जो फैक्ट है और हमारे दर्शक खुद भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब आप देखना कि जो कांग्रेस के नाराज है लीडर, उनकी क्या रवैया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नाराज है, उनका क्या रवैया, इससे भी कंपैरिजन होगा काफी हद तक। इस सॉल्यूशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अब कांग्रेस के किरण चौधरी जी ने बयान दिया और सोशल मीडिया पर आया, सबने देखा कि मेरी तो जी राजनीतिक तौर पर मेरी लड़की के साथ धक्का हो रहा है, मुझे पूछते भी नहीं है। उनके अंदर आंखों में एक वो था आक्रोश कि हाँ भी ऐसे हो रहा है। आप इधर देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर लीडरों को कहते कि साइड पर कर दिया, जैसे वो कह रहे लोग, जनता आवाम कह रही है, तो अनिल विज जी हैं, रामपला शर्मा जी हैं, कैप्टन अभिन्यू जी हैं, धनखड़ जी हैं, मैं सारी जवाब दूंगा, गणेश शीला जी हैं क्योंकि गवर्नर है, लेकिन फिर भी अब तो गवर्नर नहीं रहे, फिर भी हाँ। तो अब ये लोग, इन्होंने पार्टी का विरोध नहीं किया, हाँ मन में था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन पार्टी के प्रति, लेकिन मैंने खुद देखा राजनीति में खुलकर चीजें नहीं होती। हाँ, मैं आपको बताता हूं, लेकिन खुल के चीजें नहीं होती, लेकिन इंसान के व्यक्तित्व से, उसके काम करने के तरीके से हम अंदाजा तो लगा सकते हैं ना। विश साहब की बात,
विज साहब को हमने खुद देखा इलेक्शन वाले दिन, उनकी गाड़ी डिजायर है, 9 नंबर गाड़ी, रामबाग के पास बूथ से बूथों में खुद गए, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और साथ बैठकर कड़ी चावल खाए। यानी उनको यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष नाराजगी हो सकती है, लेकिन संगठन से थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित तरीके से काम किया। अब वो काम किस हद तक हुआ ये तो हमें 4 तारीख को मालूम पड़ेगा ना। हाँ, ये तो बढ़िया बात है। हम तो एक विश्लेषण की बात कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद हम आते हैं पंजाब की तरफ। हाँ जी, हरियाणा में आपने कहा कि ये मान के चलते हैं 10 तो नहीं, 6 से लेकर 7 सीटें जो है, नहीं 7-8 तक, 7 से 8 सीटें जो है सोनीपत की सीटें चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है और 2 से 3 वोटें कांग्रेस के पास आ सकती है। वो इसलिए आई है कि मैं आपको बता दूं, अगर इंडी गठबंधन अपने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देते फिर पिक्चर अलग होनी थी। अब बात करते हैं, चलो हरियाणा की मैं बात करता हूं, हरियाणा की हम कुरुक्षेत्र सीट की बात करते हैं। हाँ जी, वहां पे एक सीट है जो इन्होंने इंडिया अलायंस ने डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से नवीन जिंदल जी खड़े हैं जो कांग्रेस छोड़ के अभी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि उस सीट पे कैसे? कुरुक्षेत्र का मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। कुरुक्षेत्र में पीपली है, हम वहां भी अर्थ प्रकाश की चुनावी छपाल करके आए थे, सर्वेक्षण करने आए थे, 0 लेवल रिपोर्ट। तो उधर ना बाबेन से बस चलती है कुरुक्षेत्र तक, उस बस में मैं भी था, बकायदा रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड भी दे सकते हो। मैंने ड्राइवर से पूछा, वही वाली कंफ्यूजन जो आपको बता रहा हूं, मैंने ड्राइवर को पूछा कि आप ये तो वोट किसको डालोगे, उसका जवाब पता क्या था जी? कांग्रेस को। मैंने कहा यहां पर तो कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है, कांग्रेस कहने हम कांग्रेस। मैं कहा जो ईवीएम मशीन देखोगे वहां पे आपको पंजा नहीं दिखेगा, झाड़ू दिखेगा। तो इस लेवल पर कंफ्यूज कांग्रेस के कुछ वर्कर, जो पुराने वर्कर, वो तो इस समझ के कांग्रेस का कैंडिडेट है, ये भी क्लियर नहीं हो सका। तो आप ये इस स्थिति को लेकर कैडर को, कैडर को फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैडर जो होता है वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वो एक निशान देखता है, उसको निशान में वो क्या करेगा, वो कहां वोट डालेगा बताओ। हाँ, ये भी प्रॉब्लम आई है कि जहां पर जब मोहाली की बात की ना, उस तरह यहां भी कंफ्यूजन है। अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। हाँ जी, पंजाब में बहुत हॉट सीट है लुधियाना की सीट, औद्योगिक केंद्र है पंजाब का। हाँ जी, वहां पे अभी कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जो आए रवनीत विट्टू, जो 2 बार के MP रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर्स रहे, उनके दादाजी मुख्यमंत्री रहे, डेन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके अगेंस्ट, उनके ऑपोजिट जो है रवनी अपना राजा बड़ी, जो कांग्रेस के प्रधान है प्रदेश के, तो वो उनके सामने हैं और आम आदमी पार्टी भी वहां पे पराशर जी। हाँ, तो कैसे मतलब समीकरण बनेंगे वहां? हाँ, आप बताता हूँ आपको, मैंने कहा था ना स्टेट बाई स्टेट पॉलिटिकल दृश्य डिफरेंट। मेरा इसी के साथ सवाल एक और भी है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो सरकार है पंजाब में वो है आम आदमी पार्टी की। मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर पीछे से देखते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं मैं ये ओपोजिशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन कांग्रेस ही है इसके साथ। हाँ जी, हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ। तो इस कहां कैसे समीकरण बन सकते हैं? अब आपको मैं तरीके से बताता हूँ। रवनीत जी का नाम लिया आपने, रवनीत बिट्टू स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के खानदान से हैं और उनका गांव भी लुधियाना जिला में कोटली पड़ता है पहल के पास, मेरे नानके भी बड़ी कहानी है। हाँ, तो जो बड़े लीडर थे उनके साथ एक वोट बैंक होता है साइलेंट। हाँ, जो व्यक्ति विशेष के लिए होता है। और रवनीत बिट्टू, मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी से, एज ए इंसान की बात कर रहा हूं मैं, एक देखो पार्टी अलग होता है, एक एज ए इंसान होता है एक बंदे का। जो रवनीत बिट्टू एक मिलनसार इंसान है। तो अब हम बात करेंगे रवनीत बिट्टू की, तो वो जब यहां पर आए, देखो अगर कोई इमीडिएटली दूसरी पार्टी में आता है थोड़ा सा कैडर को संभालने के लिए टाइम लगता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ अपनी टीम और साथ में भारतीय जनता पार्टी की टीम, उस वहां पर अकाली दल अलग है। जब अकाली दल इकट्ठा फिर बात लगनी थी। आप ये भी ध्यान में रखो, बिल्कुल अकाली दल भी वोटें तोड़ेगा, गठबंधन कांग्रेस और आपको अकाली दल को भी साथ। हाँ, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही है। हाँ, श्रोमणी अकाली दल हमेशा, और इस बार गठबंधन रही है, इसको भी ध्यान में रखिए आप।
तो रवनीत बिट्टू का ऐसे जो दूसरी तरफ है कांग्रेस के, अब यहां भी वही कंफ्यूजन है आप और कांग्रेस की, जो हरियाणा में आई है, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों में आ रही है, यहां भी कंफ्यूजन। अब लोग कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं बताता हूँ रजिंदर जी, आप एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप दीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट आके कहता है कि मैंने आपको उन पर कांग्रेस को उपाधि, क्या आप वाले नाराज होंगे इससे? नहीं, देखिए आप जवाब दीजिए। मैं नहीं होंगे ना, गठबंधन तो एक बात में उसका जवाब मैं देता हूं आपको। देखिए कहीं ना कहीं वोट चाहे वो आम आदमी को पड़े या कांग्रेस को पड़े, अल्टीमेटली वो वोट जाएगी इंडिया इंडी गठबंधन में, फिर बात वही आएगी ना। हाँ, तो जनता को आप अपनी पिक्चर तो क्लियर कीजिए ना। तो वो जो कंफ्यूज वोट है वो इन दोनों को छोड़कर तीसरी जगह कहां पड़ेगी बताइए, आप बताइए, कहीं ना कहीं पड़ेगा कंफ्यूज। अगर इन दोनों को पड़े, दोनों एक है, हम एक दूसरे के बुरे क्यों भेजे? तो आपको क्या लगता है कि जो लुधियाना वाली सीट है इस पे भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल सकती है? हाँ देखो जी, इस मैं देखो पंजाब की तीन सीटें कह रहा हूँ। अच्छा, कि जहां पर निकल सके गुरदासपुर, होशियारपुर और लुधियाना। गुरदासपुर सीट जो रही है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हक में आती रही है, विनोद खन्ना जी वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो हाँ, होशियारपुर की सीट भी कमल चौधरी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्होंने वो सीट निकाली, उसके बाद अक्सर वो सीट निकलती रही है। निकलती है, सोम प्रकाश जी भी थे फगवाड़ा से वहां पर गए, फिर सनी देओल बॉम्बे से यहाँ आए। सनी देओल तो गुरदासपुर की सीट से रहे ना, सनी देओल भी रहे वहां पे, उसके बाद पहले विनोद खन्ना जी भी रहे। इसका मतलब है कि वहां पर ना, मैं बताता हूँ उसका कारण क्या, क्यों हम कहते हैं कि ये सीटें सेफ है, इसके पीछे भी कारण होता है, क्योंकि वहां पर जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो पार्टी के प्रति समर्पित होता है, वो उसी तरीके से काम करता है, उसको ये नहीं होता कौन सा लीडर आया। अब गुरदासपुर की बात सुनिए, आपने खुद कहा सोम प्रकाश जी आए फगवाड़ा से, वो जीते। सनी देओल जी लुधियाना में रहते हैं, बॉम्बे से हैं, लुधियाना में उनका गांव है सानेवाल, वहां से वहां जीत गए। विनोद शर्मा जी चाहे गुरदासपुर रहते हो, विनोद खन्ना जी, हाँ, तो वो बॉम्बे से जीत गए। इसका मतलब ये है कि गुरदासपुर में जो ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी वो काफी स्ट्रांग है, उसका कारण भी है, उसका कारण बताता हूँ। गुरदासपुर के साथ जेएंडके शुरू हो जाता है। अब आपको मैं बताऊँ फैक्टर क्यों है। अब 370 धारा टाई, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि गुरदासपुर के लोगों की रिश्तेदारी भी होंगी जेएंडके में, नहीं लेकिन जम्मू में। माफ कीजिएगा 370 अभी हटी है, अगर बात करें तो 5 साल 4 साल पहले। लेकिन विनोद खन्ना जी पहले से जीतते हैं, पहले से जीतते रहे हैं, शायद 370 का इम्पैक्ट इतना ज्यादा उस चीज पे हो ना हो। हाँ, ये जुड़ा है कि वहां पे हिंदू वोट बहुत ज्यादा, हिंदू वोट का बहुत ज्यादा होना शायद कहीं ना कहीं वो सीट हमेशा बीजेपी को। हाँ, अच्छा दूसरी बात करते हैं जलंधर वाली सीट पे, वहां सुशील रिंकू जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया था एमपी का लोकसभा उम्मीदवार का, उसके बाद वो उस छोड़ के एकदम से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी हैं, चन्नी चन्नी कांग्रेस से हैं। तो क्या एक अपने वो भी हैं टीनू जी, पवन कुमार टीनू जी आपसे हैं, टीनू जी आपसे हैं, तो क्या क्या हो सकता है वहां पे? देखिए जो जलंधर वाली, क्योंकि वहां पे भी अगर बात करें हिंदू वोट बहुत ज्यादा है वहां पे, पर वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन मनोरंजन कालिया जी जीते हुए वहां पे। नहीं पर एक है, वहां पर मुकाबला टफ होगा, वहां पर मुकाबला टफ होगा। क्या सुशील रिंकू का पार्टी बदलना फर्क नहीं करेगा? फर्क, क्योंकि वो रिसेंटली 6 महीने पहले एमपी बन के गए जी वहां से। हाँ। तो उसका जनता तो पूछेगी आपने पार्टी क्यों छोड़ी, एबीसी कौन सी पार्टी है, लेकिन जनता प्रश्न कर रही है, चुनाव है ना जी, लोगों ने वोट दे दिया, उसका फर्क पड़ेगा। उसका समीकरण कैसा बन सकता है उसका? वहां पर जी जो समीकरण है, तो एक तो होता है पर्सनल वोट, लेकिन हम रिंकू जी के साथ पर्सनल वोट नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो जो इलेक्शन लड़े थे वो बाय इलेक्शन था, बाय इलेक्शन में जो जीते हैं वो पार्टी कैडर को वोट पड़ी है। यस, तो इसलिए वो उस सीट में मुझे लगता है कि आप और कांग्रेस का मुकाबला आमने सामने होगा, भारतीय जनता पार्टी बाहर। हाँ बाहर, हाँ जी, हाँ जी, उस जगह से। अनंतपुर साहब सीट के बारे में क्या कहते हैं? देखिए यहाँ से मनीष तिवारी जी जीते, मनीष तिवारी चंडीगढ़ ठीक है, वो यहाँ पे आ गए। हाँ जी, अभी विजेंद्र सिंगला है वहाँ पे। हाँ जी, अकाली दल से चंदू माजरा जी भी वहाँ पे पहले रहे हैं एमपी। हाँ जी, तो भारतीय जनता पार्टी सुभाष जी है और अच्छी रैलियां हुई हैं उनकी फेवर में। अभी योगी साहब आए थे कल परसों, इससे पहले अपना राजनाथ सिंह जी भी करके गए हैं रैलियां। तो क्या लगता है? हाँ, वहां पर अनंतपुर साहब में बताता हूँ, वहां पर समीकरण अकाली दल
और बीजेपी का होगा। कांग्रेस नहीं है रेस में? हाँ जी कांग्रेस रेस में नहीं है। उसका कारण बताता हूँ। हाँ जी जो मनीष तिवारी जी वो इधर आ गए, अब मैं आपको वो बात बताऊंगा। हाँ बोलो बोलो। जिससे हमारे दर्शक कंफ्यूज क्लियर हो जाएंगे। जो मनीष तिवारी के जो वहां पर काम करते थे लोग, जो उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हैं, नेचुरली चंडीगढ़ के काम करेंगे। नेचुरली है जो मनीष तिवारी के साथ चंडीगढ़ के काम करेंगे वो। ठीक है। और जो अरविंद शर्मा, क्या कहता आपने, अरविंद खन्ना जी नहीं, वो विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंगला, विजेंद्र सिंगला जी पहले वहां से बने हैं एमपी सुगरूर से, सुगरूर से। हाँ, कांग्रेस से थे वो है। हाँ, तो इन दोनों में हॉशपॉश हो गया। इस हॉशपॉश का खेमा भूतना पड़ सकता। लेकिन मेरी कली बात हुई है विजेंद्र सिंगला जी के कुछ बहुत करीब। हाँ जी हाँ जी। वो कहते हैं हम तो आराम से बैठ गए क्योंकि हम तो यहाँ विनर है। देखिए इलेक्शन में तो देखो जो इंडिपेंडेंट खड़ेगा वो भी कहता हूँ जिन्हें विनर है, लेकिन विनर का फैसला जनता की अदालत ने करना है, लोगों ने करना है। असली फैसला हम भी यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, हम रिजल्ट नहीं दे रहे। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा कि जनता ने किसको चुना है। नहीं, आपकी नजर में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकल सकती है? निकल सकती है। हाँ जी। कांग्रेस की कितनी सीटें आप कहते हैं? देखिए कांग्रेस की सीटें हैं टोटल 13 सीटें हैं यहाँ। 13 हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 4-5 तक आ जाएंगे। 5-4 या 5 आप कहते हैं? 3 और 5 के बीच में। हाँ जी। बाकी आप। हाँ जी ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग सीट कौन सी है आम आदमी पार्टी की, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी? संगरूर। अच्छा संगरूर। हाँ जी संगरूर में तो मीत हेयर खड़े मिस्टर खेरा है। खेरा। हाँ मीत हेयर खड़े। अच्छा वो संगरूर और बठिंडा, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उसका नहीं, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल जो है वो हार जाएंगे। नहीं मेरी आपने हारने की नहीं बात की, मैंने मैंने सीटों की परिस्थितियों की बात की है। अब संगरूर सीट में अगर हम कहें पंजाब की सबसे हॉट सीट संगरूर होगी, उसका कारण है कि पिछली सीट में भगवंत मान जी का एक वो हार गए थे पिछले इलेक्शन जो एमपी का हुआ था उनके जाने के, वो इलेक्शन हार गए। अब भगवंत मान जी के लिए चुनौती है संगरूर सीट, इसलिए भगवंत मान जी पूरा जोर लगाएंगे कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट से मैं संगरूर की सीट जीतू ही जीतू। इसलिए मैंने कहा है कि आप पार्टी की जो सबसे सेफ सीट कह सकते हो संगरूर वाली। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। हाँ जी। एक लोकसभा सीट है। हाँ जी। 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही और इससे पहले 15 साल कांग्रेस रही है। पिछले 10 साल जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि किरण खेर जी ने, क्योंकि पैराशूट से उतरे हुए कैंडिडेट थे वो, मुंबई में रहना था उनका, कुछ हेल्थ इश्यूज रहे, उनकी कुछ और चीजें रही है जिस वजह से लोग कहते हैं कि काम नहीं हुए, काम कम हुए हैं। ठीक है। लेकिन इस बार जो है वो संजय टंडन जी जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे हैं, तो वो प्रधान भी रहे हैं यहाँ पे, मेयर भी रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो क्या समीकरण, मनीष तिवारी जो अनंतपुर साहब से मैं आपको थे वो इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट है। मैं आपको और सबसे बड़ी बात, इस बार यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में है, जैसे पहले जो होता था कि कांग्रेस की जो भी कटती थी वोट वो सारी आम आदमी पार्टी काटती थी, क्या कहा जाता है ऐसा। और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था श्रोमणी अकाली दल का, इस वर्ष भाजपा अकेली चुनाव लड़ रही है और जो इंडी लाइंस है उसमें आप और कांग्रेस इकट्ठे हो। कांग्रेस इकट्ठे। तो अब हम चंडीगढ़ की बात करेंगे। चंडीगढ़ टोटली डिफरेंट है। चंडीगढ़ में लोग इंटेलिजेंट हैं और एनालाइज करते हैं व्यक्ति का करेक्टर, एनालाइज करते हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं तो एनालाइज करेंगे। अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ की भारतीय जनता पार्टी किरण खेर की सीट। नो डाउट किरण खेर की पिछली सीट में भी उनको मुश्किल थी, पिछले टर्म में जब प्रोग्राम हुआ था तो उस समय मोदी जी की रैली 34 में भी थी, वो सीट संभाल ली गई। अब इसके बाद जो संजय टंडन है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। देखो जीत हार भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बहुत अच्छा काम यह किया जो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हमारे बीच में से एक हमें उम्मीदवार दिया जाए और वो भी प्योर उम्मीदवार जिसके पीछे सदियों तक किसी के ऊपर यही लगा वो उसके फादर उस दल से आए हैं, वो उस दल से आए हैं, ऐसा ना हो, प्योर हो। और उसमें इन्होंने संजय टंडन जी को टिकट देकर काफी हद तक 50% तक जिस दिन टिकट अनाउंस की थी उसी दिन इनको आश्वास हो गया ये सीट हम जीत सकते हैं। उसका कारण है कि यहां भी आपको बताता हूं, यहां भी चंडीगढ़ में भी मोदी का बीजेपी का विरोध नहीं था, एमपी का विरोध था।
जो एमपी का विरोध हुआ तो उन्होंने एमपी चेंज कर दिया, और संजय टंडन जी के तो फादर बलरामजी टंडन संस्थापक सदस्य रहे हैं, जनसंघ के लीडर रहे हैं, और ये संजय टंडन प्योर बीजेपी का है। तो उसमें से जो पुराने कार्यकर्ता जो घरों में बैठ गए थे किरण खेर के पैराशूट आने से, उनमें जान आ गई, क्योंकि संजय टंडन जी के लिए एक चैलेंज है कि लोग उनकी अंदर उनके पिता की छवि देख रहे हैं, वो इस छवि को कैसे बरकरार रखेंगे। हाँ, भले ही जिता दें, लेकिन संजय टंडन के लिए चुनौती होगी, लोग उनसे अपेक्षाएं बहुत करेंगे, क्योंकि जो इच्छाएं किरण खेर से नहीं हो सके उससे पूरी करेंगे। अब सेकंड बात है मनीष तिवारी जी के लिए। अब मनीष तिवारी जी की यहां पर वो यूनिवर्सिटी में भी उनका अच्छा होल्ड था, और यूथ के लीडर हैं, यूथ लीडर हैं, हम उनको इंडिया के, हम उनको कम नहीं हाँक सकते, क्योंकि दो वो लुधियाना में गए वहां से जीते। हाँ, मनीष तिवारी कभी हारा नहीं, श्री नंदपुर साहब गए वहां जीते। हाँ, ये मुकाबला तकड़ा है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और अब इसमें आपने कहा आप और कांग्रेस का गठबंधन है, अब मुझे बताइए कभी कभी ना कुछ वोटे ना गठबंधन ही काम करता जो इंडिविजुअलिटी कर देती है। तो इसमें जो आप अगर तो आप और कांग्रेस का तालमेल ठीक रहा फिर तो चुनौती मिल जाएगी, वरना ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। चलो अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ हिमाचल की तरफ चलते हैं। हिमाचल में लोकसभा की चार सीटें हैं। हाँ जी, मैं तीन पर गया था जी। मंडी सीट में कंगना रनौत है। हाँ जी, बिलासपुर सीट पे हमीरपुर बिलासपुर इकट्ठा ही सारा है। हाँ जी, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी हैं, शिमला से कश्यप साहब। हाँ, तो जो अगर अनुराग जी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि हालांकि वहां सरकार जो है वो कांग्रेस की है। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार कौन सी है, नहीं क्षेत्रीय, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो सरकार होती है उसका फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, लेकिन उसमें सिर्फ 2-3% पड़ता है। ये नहीं कि सारी वोट उधर कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब हमीरपुर की बात करेंगे। हमीरपुर सदियों से, जैसे आपको बताया था ना, गुरदासपुर है बीजेपी का गढ़ रहा है, हमीरपुर भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। अगर हम कैसे कहते हैं कि बीजेपी की स्टेट की राजधानी कौन सी है बीजेपी की, तो हमीरपुर कहा जाएगा। ये भी एक कैडर वोट है, वहां पे आरएसएस सभी अपने आप काम पर लगते हैं। हमीरपुर में गया था मैं, लोगों को देखा वहां पर, बाबा बालनाथ जी का जोर सिद्ध रजिंद्रगिरी महाराज जी है वहां, वहां भी गया। हिरोली में वहां पर है विधानसभा, वहां भी मैं गया, बड़सर में गया, तो वहां पर लोग अपने आप ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर का एक यूथ है, एक अपना व्यक्तित्व है, और लोगों को लगता है उन्होंने किया भी है काम, किया काम किया। देखो इंसान के काम बोलते हैं, तो मुझे लगता है हमीरपुर सीट काफी हद तक बीजेपी के लिए सेफ है। मंडी सीट, हम मंडी की बात करते हैं, मंडी में चूंकि राजा विक्रमादित्य, हाँ विक्रमादित्य भी यंग है, एनर्जेटिक है, यूथ है, यंग भी है। हाँ, उस साइड विक्रमादित्य, दूसरे कंगना को भी हम नकार नहीं सकते, कोई एक्टर है और एनर्जेटिक है, यूथ है। देखो एक इलेक्शन में ना एक कैंडिडेट के फेस को भी वोट पड़ती है, 5% वोट फेस को पड़ती है, वो दोनों की पैरलर है। अब मंडी सीट का समीकरण लगा है, चाहे प्रतिभा सिंह जी वहां से इलेक्शन जीते, लेकिन मंडी सीट की जो विधानसभा है ना, वो जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा, जैसे सिराज से अपने जयराम ठाकुर जी, और अपने राकेश है वो सुंदरनगर से है, यूथ है सारे, तो वो काफी हद तक ना जो वो सीट में मुकाबला हो सकता टफ मंडी में, लेकिन फिर उसके बाद ये हो गया, मोदी जी आ गए, वही बात आ गई मैंने पहले कहा था, एक फोर्स होती है, फोर्स में मोदी जी आ गए, नितिन गडकरी जी का प्रोग्राम हो गया, तो इन चीजों से फर्क तो पड़ता है नहीं बिल्कुल। इस अगर कांग्रेस पीछे रहेगी ना, तो इस चीज में रहेगी कि वो इलेक्शन का एक टेम्पो बरकरार नहीं रख सके। तो चार सीटों में से आप कितने नंबर देते हैं हिमाचल को, कितनी सीटें? मैं तीन में गया हूँ, तीन तो आ जाएंगी चार में से, जिस जगह मैं कांगड़ा की तरफ गया नहीं, मैं आपको कैसे झूठ बोल। अच्छा, कांगड़ा सीट, कांगड़ा नहीं गया मैं। अच्छा, मैं शिमला और ये क्या कहते हैं मंडी और हमीरपुर, यहाँ पर तरह तरह काम किया है। अच्छा जी, तो दोस्तों ये थे डॉक्टर स्वास्तिक, हमारे सीनियर पत्रकार। इन्होंने गुरदासपुर से लेके तेलंगाना तक, हिमाचल से लेके महाराष्ट्र तक चुनाव का सर्वे किया, चुनावी सर्वे किया, लोगों के बीच में गए, और इन्होंने आपको जो इनको लगा इन्होंने अपने हिसाब से आंकड़े बताए। दोस्तों ये आंकड़े जो है ये
हमारा एक अनुमान है, ये आंकड़े आप इनको आंकड़ों को ये मत मानिएगा कि ये हमारी तरफ से कोई बताई गई सही बात है, ये हमारा एक अनुमान है, हमारी एक कोशिश है कि हम नतीजों तक पहुंचने की कोशिश करें। बाकी दोस्तों सातवें चरण के चुनाव पंजाब में, चंडीगढ़ में और हिमाचल में 1 जून को होने वाले हैं। आप सभी अपना वोट डालें, ये आपका फर्ज भी है और आपका अधिकार भी है। सो डॉक्टर साहब आपके हमारे स्टूडियो में आए, नमस्कार। अच्छा एक हमने अर्थ प्रकाश की तरफ से मुहिम छेड़ी है कि चुनाव में आप वोट अपना जरूर डालें, क्योंकि आपका एक वोट ही आपके हिंदुस्तान के राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।